15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय सेना के जवान और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपस में भिड़ गए थे। टकराव काफी घातक हो गया था क्योंकि दोनों साइड्स आयरन रॉड्स और क्लब्स जैसे इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स का यूज करके आमने सामने की लड़ाई में लगे हुए थे, जिसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं था और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी, पर चाइना की तरफ से उनकी कैजुअलिटीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया। इस क्लैश से कुछ महीने पहले ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह कहा गया कि इंडियन सोल्जर्स को हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए प्रॉपर क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट की कमी का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सैनिकों को रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक के लिए प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा था। उसमें यह मेंशन किया गया कि कुछ सैनिकों को रिसाइकल्ड मल्टीपर्पज बूट्स के साथ काम करना पड़ा जो -55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स में पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑल टेरेन गोगल्स का स्टॉक भी कम था जो ऑथराइज लेवल्स के मुकाबले सिर्फ 5.6% से 16% के बीच में था। कैग की इस रिपोर्ट पर डिफेंस मिनिस्ट्री का यह रिस्पॉन्स था कि ये कमियां बजटरी कॉन्स्टेंट्स और ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए ऑथराइजेशन में सडन इंक्रीज के कारण थी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रूप लेवल पर इक्विपमेंट और राशन की कोई कमी नहीं है और किसी भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को आर्मी कमांडर स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स का यूज करके रिजर्व्स और प्रोक्योरमेंट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। गलवान क्लैश के बाद भारतीय और चाइनीज सैनिक LAC के ईस्टर्न सेक्टर में दो अलग अलग इंसिडेंट्स में शामिल हुए, एक सितंबर 2021 में नॉर्थ सिक्किम के पास और दूसरा नवंबर 2022 में तवांग सेक्टर के पास, और ये दोनों इंसिडेंट्स में LAC की फिजिकल ऑल्टरकेशंस का इशू था। इन क्लैशेस के बाद भारत ने ईस्टर्न लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशंस पर सोल्जर्स के लिए USA से अर्जेंटली हाई एल्टीट्यूड विंटर क्लॉथ्स परचेज किए, जिसको इंडिया और अमेरिका के बीच 2016 में साइन हुए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के अंडर एक्वायर किया गया था। भारतीय सेना ने चाइना के साथ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर तैनात 50,000 से अधिक सैनिकों के लिए क्विकली हीटर शेल्टर्स, बंकर्स और आर्कटिक टैंक्स सेटअप किए और स्पेशलाइज्ड विंटर क्लॉथिंग, गियर और अदर एसेंशियल सप्लाइज को एक्वायर किया। इंडिया ने उस टाइम 0 से -25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स का सामना करने वाले सोल्जर्स के लिए विंटर क्लॉथिंग की परचेज को लेकर यूरोपियन मार्केट्स का भी रुख किया था, और वो सोल्जर्स लद्दाख में पेंगोंग लेक में 13 क्रिटिकल हाइट्स पर तैनात थे और भारतीय सेना को उस टाइम फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगभग 35,000 एडिशनल ट्रूप्स के लिए विंटर आइटम्स को सिक्योर करना जरूरी था, और लद्दाख में पेंगोंग लेक और गलवान वैली जैसे कई फ्रिक्शन पॉइंट्स सी लेवल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। स्टैंड ऑफ के 3 साल बाद भी LAC पर सिचुएशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गलवान वैली की घटना के 4 साल बाद भी मामले को सुलझाने के लिए बाइलेटरल टॉक्स के बावजूद सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडिया ने चाइनीज थ्रेट्स के रिस्पॉन्स में लद्दाख बॉर्डर पर रिकॉर्ड नंबर्स में सैनिकों को तैनात किया और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी चाइना के साथ अपने डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर एडिशनल 10,000 ट्रूप्स डिप्लॉय किए। LAC पर सर्दियों का तापमान आमतौर पर -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच रहता है। नॉर्मल ऑपरेशंस के कंपैरिजन में LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर एंगेजमेंट्स में सोल्जर्स को न केवल एनिमीज का सामना करना पड़ता है बल्कि उनको डिप्लॉयमेंट से पहले हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस के लिए एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। ऐसी हार्श क्लाइमेट कंडीशंस के बीच भारतीय सैनिकों को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जैसे एडवर्सरी का सामना करने के लिए प्रॉपर विंटर क्लॉथिंग और अदर एसेंशियल विंटर गियर की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इंडिया ज़्यादातर स्विट्जरलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया के पहले डिफेंस स्टार्टअप AROO ने एक इंडिजिनस क्लॉथिंग सिस्टम को डेवलप किया है जो स्पेशली हार्श क्लाइमेट कंडीशंस के लिए है। AROO ने इंडिया के एकमात्र कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम को डेवलप किया है जिसे ECWCS एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम कहा जाता है। ये मॉड्यूलर क्लॉथिंग सिस्टम सियाचिन ग्लेशियर जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजंस में डिप्लॉयड सोल्जर्स की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ये लेयर डिजाइन ऑप्टिमल थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जिससे सोल्जर्स को -50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स का सामना करने में मदद मिलती है। ECWCS एक 3-लेयर सिस्टम है।
इनर मोस्ट लेयर मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक से बनी है जो स्वेट को स्किन से दूर खींचती है, जिससे सोल्जर्स एग्जर्शन के दौरान ड्राई और कंफर्टेबल रहते हैं। और ये हाइपोथर्मिया से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां बॉडी तेजी से हीट लूज करती है जितनी ये प्रोड्यूस कर सकती है। इसकी मिडिल लेयर एक थर्मल बैरियर की तरह काम करती है, बॉडी की हीट को ट्रैप करती है और हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर हवा, बारिश और बर्फ से प्रोटेक्शन के लिए है। बेसिक प्रोटेक्शन के अलावा DRDO ने ECWCS के डिज़ाइन में एर्गोनॉमिक्स को भी प्रायोरिटी दी है। इस सिस्टम से सोल्जर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में मदद मिलती है और ये उन सोल्जर्स के लिए क्रिटिकल है जिन्हें कॉम्बैट सिचुएशंस में टैक्टिकल मैन्यूवर्स परफॉर्म करना और हैवी इक्विपमेंट कैरी करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक कॉन्सिडरेशंस की। भारतीय सेना जैसी लार्ज फोर्स को प्रॉपरली इक्विप करने के लिए अच्छे खासे फंड्स की ज़रूरत होती है। ईस्टर्न लद्दाख में तैनात 30,000 से ज़्यादा सैनिकों को ECWCS गियर प्रोवाइड करने पर करीब 350 करोड़ से 400 करोड़ के बीच खर्च होने का अनुमान है। सीधा सीधा कहें तो एक सोल्जर्स के इक्विपमेंट और गियर की वैल्यू लगभग 1,00,000 है। 2021 के अंत में लगभग 41,000 ECWCS की सक्सेसफुल इनिशियल डिलीवरी के बाद भारतीय सेना ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गियर के लिए एक फॉलो अप ऑर्डर भी प्लेस किया है। इस स्टार्टअप के अलावा गवर्नमेंट ऑन्ड डिफेंस एंटरप्राइज ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड भी विंटर क्लॉथिंग डेवलप करने में एक की प्लेयर है। ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड ने मल्टी लेयर कोल्ड वेदर सूट्स डेवलप किए हैं, जिनमें सोल्जर्स को वार्म रखने और एक्सट्रीम वेदर से प्रोटेक्शन के लिए एडवांस्ड मटेरियल्स और इंसुलेशन का यूज़ किया गया है। इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशंस की। कपड़ों के अलावा भारतीय सेना के सैनिकों को हार्श विंटर्स से प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर शेल्टर और एकोमोडेशन की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए भारतीय सेना ने LAC के साथ विंटर हैबिटेट फैसिलिटीज़ तैयार की हैं। हार्श विंटर कंडीशंस में सेना के मोराल और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए ये फैसिलिटीज़ बहुत क्रूशल हैं। इन फैसिलिटीज़ में हीटेड शेल्टर्स, बंकर्स और आर्कटिक टेंट शामिल हैं, जो रणनीतिक रूप से चाइना के साथ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर पोजीशन्ड हैं। उनका प्राइमरी पर्पस पूरे सर्दियों के महीनों में सोल्जर्स के लिए एक कंफर्टेबल और फंक्शनल लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। ईस्टर्न लद्दाख में सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और कुछ एरियाज में तो नवंबर के बाद 40 फीट तक बर्फबारी हो जाती है। ऊपर से चिल्ड विंड्स लो टेम्परेचर्स को और इंटेंसीफाई कर देती हैं, जिससे ना केवल ट्रूप कंफर्ट इम्पैक्ट होता है बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा भारी बर्फबारी के दौरान थोड़े समय के लिए रोड एक्सेस भी लिमिटेड हो जाता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सेना ने इन विंटर हैबिटेट्स के तेजी से विकास को प्राथमिकता दी है। इन सुविधाओं में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज और प्रॉपर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इंडियन आर्मी फॉरवर्ड पोस्ट्स पर एक्सट्रीम वेदर टेंट्स का भी यूज़ करती है। इन स्ट्रक्चर्स को हैवी स्नोफॉल, आइसी विंड्स और सब जीरो टेम्परेचर्स का सामना करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो कि पेट्रोल्स और ड्यूटी शिफ्ट्स के दौरान एक टेम्परेरी रिफ्यूज प्रोवाइड करते हैं। क्रिटिकल लोकेशंस में सोल्जर्स फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक इग्लूज का भी यूज़ करते हैं, जो हार्श वेदर्स में बेटर इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देते हैं। रिमोट एरियाज में रिलायबल कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए आर्मी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स VSATs का यूज़ करती है। ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स सोल्जर्स को कॉल करने, मैसेज एक्सचेंज करने और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए अलाउ करते हैं। इसके बाद सोल्जर्स का मेडिकल वेलबींग भी बहुत क्रूशल है। इसरो के साथ कोलैबोरेशन से आर्मी ने फॉरवर्ड पोस्ट्स पर टेलीमेडिसिन नोड्स को एस्टैब्लिश किया है और ये नोड्स मेडिकल एक्सपर्ट्स को फील्ड में डिप्लॉयड सोल्जर्स से कनेक्ट करते हैं, जिससे सोल्जर्स वर्चुअली डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं और माइनर एलिमेंट्स का भी डायग्नोस किया जा सकता है। इसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट भी काफ़ी क्रूशल है, जिसमें एसेंशियल सप्लाईज जैसे फूड, फ्यूल और मेडिकल इक्विपमेंट को फॉरवर्ड पोस्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रशियन ओरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर्दियों के दौरान बर्फबारी की वजह से जब रोड एक्सेस बहुत कम हो जाता है तो एसेंशियल सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का भी यूज़ किया जाता है। CHN बैटल स्कूल सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हाई अल्टीट्यूड पर ऑपरेशंस के लिए
एसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स, एक्लाइमेटाइजेशन टेक्निक्स और कुछ टैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर फोकस किया जाता है। इन एरियाज में एवलॉन्च सेफ्टी भी एक क्रिटिकल कंसर्न होता है, जिसकी वजह से इस ट्रेनिंग में एवलॉन्च सेफ्टी मेजर्स पर भी सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, जिसमें उन्हें एवलॉन्च प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करने और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। PLA चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वॉरफेयर कैपेबिलिटी की बात करें तो PLA ने इंडिया के साथ LAC के आसपास अपनी विंटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज की स्ट्रेंथनिंग को काफ़ी प्रायोरिटाइज किया है। PLA की विंटर वॉरफेयर स्ट्रेटजी में सबसे नोटेबल डेवलपमेंट्स में से एक प्री फैब्रिकेटेड थर्मल शेल्टर्स की डिप्लॉयमेंट है। इन शेल्टर्स की सिग्निफिकेंस ये है कि जब टेम्परेचर्स -55 डिग्री तक चला जाता है तब भी ये 15 डिग्री सेल्सियस का इंडोर टेम्परेचर मेंटेन करने में कैपेबल है, जो ट्रूप्स के मोराल और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में डिप्लॉयड ट्रूप्स को रेस्ट करने और फिजिकली रिस्टोर होने के लिए ऐसे कंफर्टेबल शेल्टर्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं और ऑटोमेटिकली इससे कोल्ड रिलेटेड इलनेसेस और इंजरीज का रिस्क भी कम होता है। देखा जाए तो चाइनीज PLA के पास विंटर्स और हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में बेहतर सुविधाओं, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के मामले में पोटेंशियल एडवांटेजेस हैं। PLA को तिब्बतन प्लेटू पर अपनी लार्जर ट्रूप प्रेजेंस और वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा PLA का मेटल रोड्स का नेटवर्क उनकी फॉरवर्ड आउटपोस्ट तक ट्रूप मूवमेंट और सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन को भी स्मूथ, क्विक एंड ईजी बना देता है। बट अभी इंडिया भी LAC के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्टली इम्प्रूव कर रहा है और विंटर्स में बेटर मोबिलिटी और ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की इजी डिप्लॉयमेंट के लिए रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। सो PLA और इंडियन आर्मी उस एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं जहां पर ऑक्सीजन लेवल्स की कमी है, टेरेन रिस्की और डेंजरस है और टेम्परेचर्स बहुत ब्रूटल हैं। जहाँ PLA को उनके प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स और सोफिस्टिकेटेड कोल्ड वेदर गियर हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, वहीं इंडियन आर्मी को PLA और विंटर्स दोनों से निपटने के लिए अपने मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है।